बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे टेबल, तो चलिए आए शुरू करते हैं। ये दो हमने घी के डिब्बे लिए हैं और एक चाट लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। ये तुम पकड़ के आगे लेके जाओ। इसे एक टेप के साथ आप दोनों घी के डिब्बों को मिला लें आपस में। इसे बस मजबूती से बांध दें। अब हम दूसरी तरफ भी इसे लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए। मजबूती से आपस में मिलकर जुड़ जाए। आज हम साथ साथ सूफी कलाम और नात भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी नात पढ़ें? पहले हम सूफी कलाम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ढोला करा बैठी दिया करा बैठी सारी मैं मुकदी मुकामा ढोला मुकदी मुकामा तुझते आ मैं हारिया मेरा ढोला करा बैठी ला के कदू आवेगी
लचपाल है मेरी लचपाल ढोला, मेरी जिंदगी ये तेढ़े नाल ढोला। तू चंगिया तू चंगा, तू चंगिया तू चंगा, मैं जग तू नकारिया हो। ये हमने एक वाटर फिल्टर का एक पाइप लिया, इस्तेमाल शुदा पाइप लिया और अब हम इसे डेकोरेट कर दें। ये फॉर्मिक शीट का एक सर्कल ले लिया, काट लिया है हमने गोल और इसको इस पे जिस पर और अब हम इस पे हॉट चाट लगा कर इसे कवर कर। अब हमने एक चाट लिया, अब इसे इसके साइज के मुताबिक काट लें। अब हम इसे इसके ऊपर घर में पड़ी पुरानी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि फायदे जो हैं, फायदा इसी में है कि घर में पुरानी पड़ी चीजों का आप लोग इस्तेमाल करें, निकारा चीज़ों को करामत बनाएं और खूबसूरत बनाएं अपने घर। अक्सर हम पुरानी बुजुर्गों की पड़ी हुई चीज़ों को फेंक देते हैं निकारा समझकर, लेकिन उन्हें बेच देते हैं फेंक देते हैं तो उन्हें रिसाइकल करें और खूबसूरत बनाएं, इस्तेमाल में लाएं। इससे मैंने डेकोरेशन अपने पसंद के मुताबिक कर लिया, आप भी किसी तरह का ज़रूरी नहीं यही करनी, किसी भी तरह आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे जैसे आपको अच्छी लगे आप वैसे कर लें। और अब मैं नाद पढ़ूंगी। हुजूर मेरी तो बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था जालियों
जालियों में यार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी। मुझे इसमें सिर्फ ये बाकी भी पूरी नात बहुत प्यारी, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है शेर, तो इस वजह से मैंने ये एक पढ़ दिया। अब इसके भी काट नहीं लगा रही है, सॉरी। और अब हम इसे काट लेंगे। इसकी भी कटिंग करनी है, ये देखिए कितने प्यारे फूल बन गए। ये फूल तैयार हो गए, तो अब हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये फूल इस पे पेस्ट करते जाएंगे। ये अब हमने लगा लिया, अब इसकी तरफ से आप कवर कर देंगे। अब बढ़िया जी, गुनगुनाने से बड़ा दिल कर गया था। अब हम इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे। और इसके ऊपर एक और शीशा लगा देंगे। ये मेरी नानो की बर्तनों वाली बारी के बचे हुए शीशे हैं जो मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ये घर में पुरानी पड़ी हुई स्टोर हुई चीज़ें निकालने और खूबसूरत बनाए हुए। ये हमारा ऊपर तकरीबन तैयार है, अब थोड़ी नीचे डेकोरेशन हम करेंगे। ये इतना प्यारा लग रहा है हमारा टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये खूबसूरत और प्यारा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।